अस्सलाम वालेकुम, आप वीडियो अदनान cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़बरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम क्लास मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्लास में मेथड्स का क्या रोल है और मेथड्स क्या होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने, क्योंकि हम पिछले क्लासेस में जब हमने क्लासेस देखी कि हम क्लासेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उन्हें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो साथ ही हमने एक ऑब्जेक्ट भी डिफाइन किया था एनिमल क्लास का, एनिमल डॉट न्यू के कीवर्ड से। तो यहाँ पर जब हम न्यू का कीवर्ड लगा रहे हैं डॉट के साथ, तो इसका मतलब यह है कि हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं जो कि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड है। अगर हम क्लास मेथड को डिफाइन करें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ मेथड दैट कैन बी कॉल्ड ऑन अ क्लास। क्लास के ऊपर जो मेथड कॉल होगा क्लास के अंदर, वो हमारे पास एक ऐसा मेथड है, इवन विदाउट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास के इंस्टेंस के बगैर जब हम क्लास में कोई मेथड को कॉल करते हैं, तो वो हमारा मेथड क्लास मेथड होता है। इसका सिंटेक्स अगर हम देखें तो हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, डेफ, हमारे पास डेफ का कीवर्ड, उसके बाद सेल्फ डॉट मेथड नेम। सेल्फ हम लगाएंगे, सेल्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद डॉट डॉट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को कॉल करता है, उसके आगे हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, फिर हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा और हमारा जो है वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो लास्ट मेथड जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है वो एंड हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको अगर प्रोग्रामेटिकली देखें कि हम इसको रूबी में प्रोग्राम में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नोटपैड में कोड लिखा है क्लास मेथड का। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले डेफ कीवर्ड सेल्फ, क्योंकि सेल्फ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आपके केस में यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं अपनी क्लास में से, और उसके बाद मेरे पास मेथड का नेम है ऑल अंडरस्कोर स्पेशीज। ऑल अंडरस्कोर स्पेशीज अब यहाँ पर मेरे पास मेथड का नेम है, और इस मेथड की डेफिनेशन मेरे पास यहाँ पर अंदर बॉडी में डिफाइन की गई है कि मेरे पास ये जो है वो ऑल स्पेशीज की डेफिनेशन है, और उसके बाद मेरा ये जो फंक्शन है, मतलब कि क्लास मेथड है, वो एंड हो जाता है। अगर मुझे इस क्लास मेथड को कॉल करवाना है या इसकी आउटपुट प्रिंट करवानी है, तो मैं सिंपल एनिमल क्लास, क्योंकि ये एनिमल क्लास का मेथड है, और उसके बाद इस मेथड को मैं यहाँ से कॉल कर लूँगी सिंपल तरीके से, मुझे कोई भी और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगी, मेरे पास इसकी तमाम डेफिनेशन जो है ऑल अंडरस्कोर स्पेशीज की, वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्लास मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं रूबी में।